मैं राजीव कुमार सिंह यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल से। मैं समय उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के ब्लॉक मिहपुरवा अंतर्गत ग्राम सभा महेशपुर बिलहान में खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ किसानों की ऐसी समस्या है, जो ये जो तार लाइट का आप देख रहे हैं, ये तार इतना बिल्कुल नीचे से लगा हुआ है, जिससे आए दिन कोई ना कोई घटना का अंजाम जरूर दे सकता है। कोई भी घटना हो सकती है, जैसा कि आप लोगों को दिखाया जा रहा कैमरे के माध्यम से। ये देखिए कैसी तार आपको दिख रही है। ये तार से इन किसानों को इतनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि न ये बेचारे ट्रैक्टर निकाल सकते हैं, न ट्राली निकाल सकते हैं। और आइए हम कुछ किसानों से। जी सर, आपका क्या नाम है? गुरजीत सिंह। कौन सा ग्राम साहब आपका लगता है? महेशपुर। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक बलहा। जी अपनी समस्याएं बताएं, क्या है समस्या? सर लाइट की है सबसे बड़ी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि लमसम दो महीने से जी, जब से धान बिठाया गया है जी, इतनी कम वोल्टेज कि अगर हाथ आदमी लगा दे तो आदमी नहीं मरता, मोटर कहाँ से चलेगी जी। और खंभे हमारे आप देख ही रहे हैं, तारे देख ही रहे हैं जी, लमसम 20-30 साल से कोई तार का खिंचाव या खंभे में परिवर्तन हुआ ही नहीं। जो खंभा टेढ़ा है वो टेढ़ा ही है, जो तार गिरी है वहीं पड़ी, किसी ने सर्विस की नहीं लाइन की। मतलब पावर हाउस आपका कहाँ है? रायबोझा। रायबोझा, उस पर मतलब अधिकारी से कोई आपकी बात हुई इस बारे में? अधिकारी सर ये SDO से बात हुई थी, तो क्या बताएं, हमारी है ही नहीं वो, मतलब कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं सर जी। आपका क्या नाम है चाचा? कबीर सिंह। क्या समस्या बताइए? समस्या यही बिजली की है जी, वोल्टेज कम जी, आंधी बाद में आती है, लाइन पहले खराब जी, चार चार दिन बिजली खराब रहती है जी, वोल्टेज है ही नहीं, मोटरें चलती नहीं, तो बिल कहाँ से देंगे अगर फसल नहीं होगी। अच्छा, तार जो हैं वो आपके, मतलब तार का क्या समस्या अभी? तार कुछ तारें बिल्कुल देख ही रहे हैं आप, जगह जगह से टूटी हुई हैं, चार चार जगह से लाइन को मेंटेन हुए 30-40 साल हो गए हैं, वही पुरानी लाइन है चल रही है। इस बारे में आपने कोई कंप्लेंट किया कहीं? कंप्लेंट यही सब लोग कहते ही हैं जाके, SDO साहब से कोई सुनता ही नहीं। पावर हाउस आपका कहाँ? रायबोझा। रायबोझा है जी। पिछले बार भी गए थे तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? सतविंदर सिंह जी। कौन सा ग्राम सभा आपका लगता है? महेशपुर। ब्लॉक कौन सा है? बलहा। क्या समस्या बताइए? समस्या बस यही है कि लाइट आती है लेकिन वोल्टेज आती नहीं है जी, और मोटरें चल नहीं रही हैं जी, धान की फसल बर्बाद हो रही है जी, कोई गौर ही नहीं किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से इस पे। इस पर इस बारे में आपने कोई मतलब कंप्लेंट किया है? इसी सीजन में दो बार जाया गया रायबोझा जी, हमारा पावर हाउस है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी तरीके की जी, बोले हो जाएगा आप लोग जाइए, उसके बाद कोई निराकरण नहीं हो रहा है। ओके, आपका क्या नाम है सर जी? मैं कुलदीप सिंह, महेशपुर ग्राम सभा से हूँ जी। और हमारी सबसे आए दिन प्रतिदिन जी, तकरीबन यहाँ 10-20 साल से हम देख रहे हैं, पर इस बार बड़ी गंभीरता पूर्वक समस्या है, जो कि हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल लो वोल्टेज 60-70 वोल्टेज लाइट आ रही है, जो कि हमारी धान की फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। या तो हम किसान लोग डीजल फूक के अपना खेती बचाया जाए और या हम बिल दे पाएँ। इस बारे में आपने कोई अधिकारी से बात किया? हम SDO साहब को दो बार बता चुके हैं, क्योंकि हम एक दिन 25-30 लोग महीपुरवा फिल्टर के अंदर गए थे जी, और हमने बताया, SDO साहब से हमारी बात हुई, हमसे मिले नहीं वो, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया। उससे पहले पिछले साल हम सिटी मैजिस्ट्रेट बहराइच और मंडल एक्शन साहब को इसके बाद लिखित रूप के अंदर सिख संगठन की तरफ से हमने इसका कंप्लेन की गई है, उसके ऊपर एक साल से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यदि हमारे यहाँ बत्ती नहीं आया कि जो 90 से लेकर अभी तक लाइनों का मेंटेनेंस नहीं हुआ है, आखिर ये 30-35 साल का जो हम बिल दे रहे हैं, लाइनों का मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ, वो पैसा कहाँ जा रहा है? पावर हाउस आपका कहाँ है? पावर हाउस हमारा रायबोझा है। रायबोझा से आ रही है लाइट। आंधी आए चार चार दिन, आंधी बाद में आती है, तारे पहले ब्लॉक हो जाती हैं, बार बार ट्रिपिंग गई वहां से। तीसरा ये है सबसे बड़ी समस्या, जब हमें 18 घंटे हमारे रोस्टर के हिसाब से लाइट क्यों नहीं आ रही, हम 18 घंटे भी लाइट नहीं चाहते, हम कह रहे हैं कि बिना ट्रिपिंग के हमको 12 ही घंटे लाइट मिले, पर बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लाइट मिले। एक तरफ हम बिल दे रहे हैं गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ हम अपने जितने उपकरण हैं मोटरें वो जल रही हैं, डीजल फूक रहे हैं। बताइए, तो ये सब हमारा मतलब बहुत गंभीरतापूर्वक रायबोझा फिल्टर की समस्या है। ये एक मेरी अकेले की नहीं है, या महेशपुर ग्राम सभा की नहीं है, ये आप मटिया मोड़ से लेके नीचे चले जाइए, गोकुलपुर, चंदनपुर, बढ़िया कला, बेबाई, दौलतपुर, अरनवा, जोरदिया, रामपुर, सभी की ये समस्या है। पर हमारे 3 हॉर्स पावर के कनेक्शन हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हम लोगों को आ रही है, किसानों को, और किसी को इतनी समस्या नहीं है। अब देखना ये है कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसा कि अभी हम आपको डायरेक्ट रूप दिखा रहे हैं,
कि जो तारे आए हैं तारे बिल्कुल सबसे नीचे है, इससे आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घट सकती है। कल का अगर बाढ़ में पानी आ गया, पानी भर गया, तो उससे अगर ये बाढ़ में अगर पानी जब भर जाएगा तो इसमें इन लोगों को बत्ती आने में बहुत दिक्कत होगी। इन्होंने इतने अधिकारियों से बात किया है, जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मुहिम चला रहे हैं कि घर घर लोगों को बत्ती दी जाए, तार वायरिंग सही हो और रोडें सड़कें बने, लेकिन इस बावजूद अब देखना यह है कि यह खबर चलने के बाद क्या अधिकारी इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं, क्या अधिकारी कोई इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं राजीव कुमार सिंह।